हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैडीज क्विक किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बंगाली रेसिपी बनाएंगे जो कि फ़िश की प्रिपरेशन है। तो इसे हम कहते हैं दोई शोरशे विद कातला माछ। सो हम दही और सरसों के पेस्ट से इस फ़िश की ग्रेवी को बनाएंगे। तो यहाँ हमने कातला माछ लिया है, आप चाहे तो रोहू मछली भी ले सकते हैं। इसको हम नमक और हल्दी से मैरिनेट करके थोड़ी देर 10 से 15 मिनट तक रख देंगे और इसके साथ हम बाकी की प्रिपरेशन आपको बता देते हैं। यहाँ हमने अदरक और प्याज और लहसुन और हरी मिर्च, इन चार चीज़ों का पेस्ट बनाया है। साथ ही हमने बनाया है सरसों का पेस्ट और हमारे पास है दही। तो हम सबसे पहले दही को सरसों के पेस्ट में मिक्स करके रख देते हैं। तो इन तीन चीज़ों से बहुत ही सिंपली रेसिपी है जिससे हम फिश को बनाएंगे। तो एक पैन में हम सरसों के तेल को गरम कर लेते हैं। सरसों का तेल जब गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे अपने फ़िश के पीसेस और इसको दोनों तरफ से पलट के अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे, जैसे हम फिश को फ्राई करते हैं। कुछ लोग फिश को बिना फ्राई करके भी खाते हैं, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। फिर उसी तेल में हम डालेंगे कलौंजी या प्याज के जो बीज होते हैं वो, जीरा और हमारा प्याज और अदरक का जो पेस्ट था हम उसको डाल देंगे। साथ ही उसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च और नमक और इन सब को अच्छे से मिला के भून लेते हैं। इन सब भूनने के बाद हम दही और सरसों के पेस्ट का जो हमने मिक्सचर बना के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे और एक से दो मिनट तक, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक कप के करीब पानी, या आप पानी को थोड़ा सा कम ज़्यादा अपने अनुसार रख सकते हैं। और इसमें डाल देंगे फ्राइड किए हुए फ़िश के पीसेस, ऊपर से डाल देंगे हरी मिर्च। 5 मिनट पकाने के बाद जब ये सारे फ्लेवर आपस में मिल जाएं, हमारा ये दही शोरशे जो है बिल्कुल रेडी है। इसको हम सर्व कर सकते हैं गरम गरम राइस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।